वो दिखने में भयानक था। उसका सर बहुत बड़ा और आकार उससे भी विशाल। उसके बहुत सारे हाथ थे। उसकी डरावनी काली आंखें अगर किसी ने देख ली तो समझ लेना उसका अंत करीब है। अपने बड़े बड़े हाथों से पकड़कर किसी जहाज को पानी के अंदर वो ऐसे खींचता कि उसके बाद वो जहाज कभी नहीं मिलता। क्रैकन की ये कहानियां हमेशा से लोगों के बीच डर बिठाए हुए है। कई लोगों ने इसे देखने का दावा किया, पर सवाल ये आता है कि इसकी शुरुआत किसने की? सेलर्स। उस जमाने में ऑलमोस्ट हर मर्चेंट शिप के किस्सों में क्रैकन की कहानी भी शामिल होती थी, पर इन कहानियों से कुछ सेलर्स को बहुत ज्यादा अमीर भी बना दिया। इस वीडियो में हम यही खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या असलियत में क्रैकन का कोई वजूद था। अगर नहीं तो क्यों सेलर्स ने ऐसी कहानियां बनाई, और अगर हाँ तो क्या आज भी हमारे समंदर में ये डरावनी चीज मौजूद है? पुराने जमाने में सेलिंग बहुत कठिन हुआ करती थी। छोटे छोटे टापुओं पर रुक रुक कर जाना पड़ता था। बहुत बड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1602 में व्यापार क्षेत्र में क्रांति ला दी। उन्होंने समंदर में ऐसे रास्ते खोजे जिनसे व्यापार आसानी से किया जा सकता था। पर ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्हें सरकार से कोई भी मदद नहीं मिलती थी। उन्हें अपने खर्च खुद उठाने पड़ते, इसलिए व्यापार के अलावा कोई दूसरा कमाई का जरिया खोजना उनके लिए जरूरी हो गया था। जहाज का डेटा, जैसे जहाज में कौन सी चीजें या कितने आदमी हैं, इसका विवरण सिर्फ जहाज के कैप्टन के पास रहता। ऑफिशियली कहीं पर भी ये रिकॉर्ड नहीं था। आज हमारे पास एक्यूरेट जीपीएस सिस्टम है जिससे सैटेलाइट की मदद से हम मर्चेंट जहाजों पर आसानी से नजर रख सकते हैं। पर 16वें शतक की बात कुछ और थी। एडवांस गैजेट का मतलब था पुरानी लॉगबुक। इस कारण अगर कोई सामान जहाज से गायब हुआ या पूरा जहाज ही गायब हो गया तो सेलर्स जो बताते उसे सच मानना पड़ता था। सबसे पहले क्रैकन का सबूत 30 नवंबर 1861 को लोगों के सामने आया था। शिप कमांडर लुटिनेंट फ्रेडरिक मरी बुयर एक खतरनाक समुद्री राक्षस की कहानी लेकर लोगों के सामने आए जिसने उनके जहाज पर हमला किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने क्रैकन के पूंछ का हिस्सा भी लोगों के सामने सबूत के तौर पर पेश किया। लोगों ने उनकी इस बात को मान लिया। इसके पहले 1810 के सेलेस्टिना जहाज के सेलर्स लॉग में ऐसा ही कुछ लिखा मिला था। उन्होंने 70 मीटर की चमकीली चीज पानी में देखने का दावा किया। उन्हें भरोसा था कि वो क्रैकन ही था। फिर मानो क्रैकन को देखने का सिलसिला ही शुरू हुआ। हर सेलर्स की कहानी में सेलर्स इसे देखने का दावा करने लगे। कोई कहता था कि वो 9 मीटर लंबा है, कोई कहता था 20, तो कोई कहता था 40। उसके कुछ सालों बाद इंग्लैंड का जहाज वेल प्रासो अमेरिका जा रहा था, पर रास्ते में ही वो डूब गया। जो लोग बचे उन्होंने बताया कि समंदर से विशाल जानवर पानी के बाहर निकला। लग रहा था जैसे वो कोई छोटा टापू हो। उसने जहाज को पकड़ लिया और अपने हाथों से कुचल दिया, जिस वजह से जहाज डूब गई और क्रैकन पानी में कहीं गायब हो गया। इस घटना से लोगों के बीच दहशत फैल गई और लोग सेलर्स की कई हर बात का यकीन करने लगे। कुछ सेलर्स तो हाइड्रस और साइरंस जैसे पौराणिक जानवर देखने का दावा करने लगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इस जलपरी के स्केलेटन का। ये अपने आप में ही काफी रेयर और अजीब थी। लोग इस जलपरी को देखने के लिए पैसे देने लगे। सेलर्स इससे एक हफ्ते के $12 तक कमाते थे। ये रकम उस वक्त काफी ज्यादा थी, पर असलियत में इस स्केलेटन को बंदर और मछली से मिलाकर बनाया गया था। पर सेलर्स ऐसी चीजों से पैसों पर पैसे कमाए जा रहे थे। ऐसी कहानियों से वो लोगों को सिर्फ बेवकूफ ही नहीं बनाते, बल्कि ऐसी कहानियां उनके किए जाने वाले स्कैम का हिस्सा हुआ करती थी। 1786 तक जहाज के सामान का कोई फॉर्मल रिकॉर्ड रखना जरूरी नहीं था, पर अचानक से जहाज गायब होने लगे तब रिकॉर्ड रखना जरूरी हो गया। जहाज में बहुत कीमती सामान हुआ करता था, इसलिए जहाज गायब होने पर शक सेलर्स पर जाता, पर वो कहानियां सुनाने में उस्ताद थे और ऐसे ही कहानियां सुना के वो बच जाते थे। देखा जाए तो क्रैकन का जिक्र ओरिजिनली हमें स्कैंडिनेविया और आइसलैंड की लोक कथाओं में मिलता है, पर जब दुनिया में व्यापार बढ़ रहा था तब लोगों ने ऐसी चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। अब हम कुछ ऐसी असली घटनाओं पर गौर करेंगे जिससे हमें ये समझने में आसानी होगी कि क्या समंदर के जहाज डूबने के पीछे समुद्री दानवों का हाथ है। एक दिन इतिहास के सबसे अमीर आदमी मूसा प्रथम अपने सैन्य के साथ अटलांटिक ओशन में खोज पर निकला। इसके लिए उन्होंने 2000 जहाज तैयार किए जिसमें हजारों आदमी और सोना था। वहां जाने के बाद एक आदमी भी इस खोज से वापस नहीं लौटा। लोगों का मानना था कि इन सबको समंदर का दानव निगल गया, पर क्या ये सच हो सकता है?
देखा जाए तो मूसा का अमीर होना ही उसके राज्य के बर्बादी का कारण हुआ। हद से ज्यादा अमीर होने के कारण उसके राज्य माली की इकोनॉमी चौपट हो गई। उसके गायब होने के तुरंत बाद उसके भाई ने राज्य को अपने हाथ में ले लिया। तो क्या ये कोई चाल हो सकती थी, या अपना राज्य बर्बाद करने के बाद मूसा किसी सुनसान द्वीप पर अपने साथियों के साथ चला गया हो? ईस्ट इंडिया कंपनी जो चीजें ट्रांसपोर्ट करती थी उनमें से मुख्य था चीनी बर्तन, महंगी चाय, रेशम के कपड़े और सबसे कीमती चीज मसाले। यूरोप में मसाले आने से पहले वहां के खाने में कोई टेस्ट नहीं थी। खाने में मसाले आने से मसालों की डिमांड इतनी बढ़ी कि वो सोने से भी महंगे हो गए। ब्लैक मार्केट में मसालों को मुंह मांगी कीमत मिल जाती थी। अब ये सुनकर हैरानी नहीं होगी कि मसालों से भरा जहाज बीच रास्ते में गायब हो गया। अभी तक आपने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि क्रैकन नाम की कोई चीज नहीं है, पर इस बात पे आपको दोबारा सोचना चाहिए, शायद आप गलत हो। 2019 में रिसर्चर्स ने अमेरिका के पास समंदर में एक फुटेज कैप्चर की जिसमें अजीब जानवर उन्हें दिखाई दिया। स्पेशली डिजाइन अंडरवाटर कैमरा जिसका नाम था मेड्यूसा, इसने पानी में बहुत बड़े स्क्विड को कैप्चर किया। इसके तुरंत बाद एक अजीब घटना हुई, अचानक जहाज पर बिजली आके गिरी। साइंटिस्ट ने जमा किया डेटा खतरे में था, पर किसी कारण से वो बच गया। इसके और रिसर्च करने पर समझ आया कि वो कोई आम सी दिखने वाली स्क्विड नहीं थी। अब ये सवाल सामने आया है कि क्या इतिहास में जो घटनाएं हुई थी वो सच थी? क्या क्रैकन का कोई अस्तित्व है, या महज ये कोई ऐसा जानवर है जो लोगों के सामने आने से भी डरता हो? समंदर अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए बैठा है। शायद क्रैकन का अस्तित्व हो और अब वो वापस आ रहा है।